पीथमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 महीने से फरार चल रहे चरस तस्कर को पुलिस ने सोनकच्छे में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 5 माह पूर्व से फरार चल रहे अवैध मादक पदार्थ तस्कर इमरान कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 किलो चरस के साथ 3 चरस तस्कर को पुलिस ने करीब 5 माह पूर्व पीथमपुर में पकड़ा था। मास्टरमाइंड इमरान कुरैशी तस्कर लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सोनकच्छ से इमरान तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके 3 साथी पहले से ही जेल में बंद है। इन तस्करों के पास से 5 किलो चरस पुलिस ने बरामद की थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सभी तस्कर चरस गुजरात तथा महाराष्ट्र तरफ जाने वाली बसों में रखकर सप्लाई किया करते थे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज हमने एक फरार आरोपी इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। ये पिछले करीब 5 माह से फरार चल रहा था। इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय धार ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। 5 महीने पहले हमने 5 किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनसे चरस जब्त हुई थी। उन्होंने बताया था कि इमरान कुरैशी इसका सप्लायर है, तभी से इसकी तलाश की जा रही थी और ये काफ़ी दिनों से फरार था। आज हमारी टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। सर, कितने की चरस थी लगभग? 5 करीब 1 करोड़ के ऊपर की चरस थी वो, जो अप्रैल में जब्त हुई थी। और अभी इमरान कुरैशी पर सर कितना इनाम? इमरान कुरैशी पर 10,000 का इनाम जारी किया है एसपी साहब ने। सर, पूर्व में भी कई अपराध है? ये मूल रूप से रहने वाला सोनकच्छ देवास डिस्ट्रिक्ट का है और इसके मारपीट लड़ाई झगड़े करीब 5 अपराध और भी हैं। संतोष दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।